समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। शिवमोगा, कर्नाटक और हाथरस में हुई हत्याओं से आक्रोशित राष्ट्रभक्त संगठन और विश्व हिंदू परिषद ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर कठोर कार्यवाही की मांग की है। मंगलवार को राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अर्जड़िया के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन देते हुए बताया है कि पिछले कुछ समय से एक विशेष धर्म के कट्टरपंथियों द्वारा अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पूर्णता पाबंदी लगाए जाने तथा तालिबानी सोच को भारतवर्ष में लागू करने के लिए जघन्य हत्याएं कर हिंदू जनमानस की भावनाओं को दबाने एवं समाज में डर भय का वातावरण बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण कर्नाटक के शिवमोगा में हुई हर्ष की हत्या, उसके पूर्व हैदराबाद में हुई किशन की हत्या सहित मामलों पर प्रकाश डालते हुए इन घटनाओं को रोकने के लिए इनकी गहराई से जांच कराने के लिए NIA को गठित कर फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर फांसी की सज़ा दिए जाए, जिससे इस देश का माहौल ख़राब करने वाले लोगों के मंसूबों पर पानी फिर सके। फिर ऐसे लोग देश को फिर तालिबानी बनाने की कोशिश ना करें। वहीं विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन देते हुए बताया गया कि शिवमोगा में बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता धर्मवीर हर्षा की मुस्लिम जिहादियों द्वारा धारदार हथियार से की गई हत्या से पूरे हिंदू जनमानस में आक्रोश बना हुआ है। उन्होंने कई घटनाओं का हवाला देते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी और कठोर सजा की मांग की है। इस दौरान अभिषेक राजपूत, विकास अवस्थी, हरीश बजरंगी आदि मौजूद रहे। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट। देखिए, आज जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन आज हमने प्रेषित किया। कुछ लोगों के द्वारा अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर बंदिशें लगाई जा रही हैं और इस देश का तालिबानीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में कर्नाटक के अंदर एक बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई, हाथरस के अंदर हत्या हुई, इसके पहले कृष्णा यादव की हाथरस में हत्या हुई, इसके पहले अंकित शर्मा की जो CBI में थे उनकी इसी तरह से निर्मम हत्या की गई। सिर्फ इतना सा लिखने पर हिजाब विवाद के ऊपर कोई पोस्ट कर दी, उसके ऊपर की हत्याएं की जा रही हैं। तो निश्चित रूप से इस देश को तालिबानीकरण की ओर ले जाने का प्रयास कुछ चंद कट्टरपंथी ताकतों द्वारा किया जा रहा है। उसके विरोध में हमने कि NIA के द्वारा जाँच हो और एक साल के अंदर फास्ट ट्रैक का गठन करके ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो, उम्र कैद भी ना हो, जिससे कि ऐसे अपराधियों के ऊपर अंकुश लगे और इस देश का आम नागरिक अमन चैन के साथ में जी सके।